हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में नर्स की भर्ती आ चुकी है। टोटल 1376 वैकेंसी निकाली गई है स्टाफ नर्स के लिए, एनएम के लिए, मेडिकल ऑफिसर, आया, वार्ड बॉय, इसके अलावा विभिन्न पदों पर यह भर्ती ऑफिशियली जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई 20 अप्रैल तक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती है, दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लोकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, VMC की तरफ से 300 वैकेंसी निकाली गई थी, कल मैंने वीडियो बना रखा था, तो उसका दोस्तों कैसे फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने के बाद जो है प्रिंट आउट कैसे निकालना है, इसकी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है। बिल्कुल दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी की गई है, 1376 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि नंबर 1 सीनियर रेसिडेंट क्लिनिकल के लिए 13 वैकेंसी है। इसमें MS MD वाले अप्लाई करेंगे। मेडिकल ऑफिसर के लिए 221 वैकेंसी है, जिसमें MBBS वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी है, इसमें BSc अप्लाई करेंगे। AE की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है जो कि 18 वैकेंसी है, इसमें BTech वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन के लिए 7 वैकेंसी है, जो कि BTech वाले अप्लाई करेंगे। स्टाफ नर्स के लिए 430 वैकेंसी है, जिसमें GNM BSc नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वार्ड बॉय के लिए 315 वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आया के लिए 368 वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1376 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें सैलरी आपको अधिकतम 60,000 रुपये प्लस मिलने वाला है। आपका दोस्तों रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों आप लोग जो हैं 20 अप्रैल 2021 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देखिए, मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। सूरत महानगर पालिका ऑफिशियली वेबसाइट दिया गया है, जो कि 3 महीने के लिए संविदा पर यह भर्ती निकाली गई है। सूरत महानगर पालिका से यह भर्ती आ चुकी है। 20 अप्रैल 11 बजे तक फॉर्म को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए तो सीनियर रेसिडेंट की वैकेंसी है, 13 वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 221 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए नीचे आपको जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी मिल जाएगी। स्टाफ नर्स के लिए 430 वैकेंसी है, वार्ड बॉय की वैकेंसी है, आया की वैकेंसी है, और 20 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको बता दें, मैंने जो है आपको जानकारी या CMC जो कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दे दिया है, इसमें 1376 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, ऑल इंडिया भर्ती है। दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैंने कल वीडियो बना रखा है। तो कैसे आप लोग अपना प्रिंट आउट ले सकते हो, आप लोग अपना मेल चेक करिए। तो चलिए मैं आपको मेल चेक करके बता देता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए, सारी जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है आज फॉर्म फिल किया है, आप लोग भी फॉर्म फिल कर लो। लास्ट डेट 15 अप्रैल रखी गई है, 15 अप्रैल तक जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 2 सेकेंड के अंदर आप लोग जो हैं VMC के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख के आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्फो पे इस तरह से मेल आएगा, जो कि VMC की तरफ से जारी किया गया है, और मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो दोस्तों जब आप लोग लॉगिन करोगे, तो लॉगिन जो है आप लोग एप्लीकेशन नंबर के थ्रू और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपना लॉगिन करके प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर इस तरह से आपको मेल आ चुका है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर संविदा पर 300+ वैकेंसी निकाली गई है स्टाफ नर्स के लिए, जो कि ऑल इंडिया भर्ती है। दूसरे स्टेट वाले अप्लाई करेंगे और कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, चाहे आप मेल
मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी की हो, चाहे आप ओबीसी हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। मैंने फॉर्म का फिल किया था, तो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मुझे मिल चुका है और नीचे देखिए यहाँ पे मेल भी आ चुका है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्टेटस, डियर सर मैडम, यू हैव सक्सेसफुल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ V345 स्टाफ नर्स नर्सिंग असिस्टेंट। पोस्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है और एप्लीकेशन नंबर दी गई है, एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो है फॉर्म को फिल कर लिया है। अभी आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर दो। अभी आपके पास जो है 15 अप्रैल तक समय है, तो 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। चलिए एस सी एम सी जो कि 1376 वैकेंसी है, इसको कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है इसकी जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली अपडेट, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के नीचे जाके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नीचे आप लोग देखिए जॉब्स जो है दिया गया, इसमें सूरत महानगर पालिका से निकाली गई है, जो कि अलग अलग वैकेंसी है और 244 वैकेंसी है। लास्ट डेट 20 अप्रैल रखी गई है। अभी 6 दिन का आपके पास समय है। तो देखिए नीचे और देखिए, मैं आपको बता दूँ 1376 वैकेंसी है, है ना, 1376 वैकेंसी है जो कि 20 अप्रैल तक अप्लाई करेंगे। तो व्यू मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप लोग जो है यहाँ पे देखिए यूजर लॉगिन, और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 1376 वाला जो नोटिफिकेशन है उसे दोस्तों आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यूजर लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है साइन इन करके आप लोग फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई भी जानकारी है, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकती हो। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर आप लोगों को जो है लॉगिन करना है और फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकती हो। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, धन्यवाद।